गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ सेल। सबसे पहले हमें सेल के बारे में डिस्कस करना है, तो सेल की डेफिनेशन आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है। सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या कह रहा है? देखो, आपको पता है कि अपना जो घर होता है, ठीक है, अब अपना घर बना होता है, ठीक है, बहुत बड़ा घर बना होता है, पर उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ईंट होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, पहले हम ईंट ही लेते हैं, फिर हम हमारी पूरी क्या है, हमारा मकान बनता है, ठीक है। तो मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। इसी तरह क्या है, हमारा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा एक बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा इंसान है, वो क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल से बना होता है, ठीक है। तो दूसरी बात, एक प्रकार सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या हो रहा है, जैसे पूरा मकान, एक पूरे मकान की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ईंट होती है, वैसे ही हमारा पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल है वो क्या, हमारी सेल है, सबसे हमारी मतलब पूरे स्ट्रक्चर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। तो हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है, बहुत सारी मिलियन सेल से बनी होती है हमारी बॉडी। सेकेंडली हमने बात की थी क्या होते हैं फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे, डाइजेशन भी करेंगे, एक्सक्रीशन भी करेंगे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे। तो ये क्या करता है, इसमें सेल है वो अलग अलग लेवल पे क्या है, अपना अपना काम करती है, ठीक है। आपको पता है कि सेल 2 टाइप की होती है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी बॉडी क्या है, पूरी एक सेल से बनी होती है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते अमीबा। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखो, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी मिलियन सेल से बनी होती है, हम डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ करते हैं, ठीक है, पर वैसे ही क्या है, अमीबा भी एक सेल से बनने के बावजूद भी क्या है, वो भी हमारे जैसे फंक्शन करता है, वो भी डाइजेशन करता है, वो भी एक्सक्रीशन करता है, वो भी रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, चाहे उसके अंदर एक सेल हो, पर काम हमारे वाला ही करता है वो, ठीक है। अब उसके बाद में आता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी क्या है, बहुत सारी सेल से बनी होती है बॉडी, ठीक है, उसमें आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी है वो बहुत सारी मिलियन सेल से बनी होती है। तो सबसे पहले क्या आते हैं, सेल की डिस्कवरी एक रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट ने की थी। उसने क्या की थी, एक पेड़ की बार्क ली थी, ठीक है, पेड़ की क्या है, बार्क ली, मतलब एक छिलका सा लिया, जैसे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया तो उसने देखा, तो जो उसके अंदर सेल्स दिख रही थी वो क्या है, एक छत्ते की तरह हनीकॉम जैसी दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो उसके बाद में उसने स्टडी की थी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले पॉइंट आता है कि लिविंग थिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल। आपको पता है जितनी भी लिविंग थिंग्स है जो सांस ले सकती है उसके अंदर क्या है, सेल पाई जाएगी, क्योंकि पूरी बॉडी जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी पूरी बॉडी है वो सेल से बनी होती है। सेकेंड क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको पता है कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्या है, हमारी पूरी बॉडी क्या है, किससे बनी होती है, सेल से, और फंक्शनल यूनिट है, सेल का सेल क्या है, अपने लेवल पे क्या है, अलग अलग फंक्शन भी करता है। उसके बाद में है न्यू सेल्स प्रोड्यूस एग्जिस्टिंग सेल, और जो नई सेल बनती है वो क्या है, पुरानी वाली सेल से ही रिपेयर होती है। आपको पता है कि हम क्या है, प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पुरानी सेल्स डैमेज हो जाती है वो क्या है, अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो वो क्या है, पुरानी सेल को रिपेयर करके न्यू सेल बना देता है, ठीक है।